राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। देखिए आज का नया अपडेट लिस्ट राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत अच्छी खबर। अगर आप भी राशन कार्ड का लाभ ले रहे हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि राशन कार्ड को लेकर एक बहुत बड़ा नया अपडेट आ गया है जो सभी धारकों के लिए जरूरी होगा। भारत में राशन कार्ड धारकों के लिए राशन लाभों के बारे में जानें। इसके साथ ही कई अन्य लोगों को भी आने की अनुमति दी जाती है जो खुद को नहीं जानते हैं, जिनकी जरूरत आपको राशन कार्ड से तेजी से लाभ उठाने के लिए होगी। जानिए राशन कार्ड में क्या दिया जाता है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा बदलाव। राशन कार्ड धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि राशन कार्ड धारकों को एक गरीब परिवार के लिए राशन दी जाती है। साथ ही साथ राशन के साथ साथ आपको किरासन, तेल, चीनी, अलावे दाल नहीं दिया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार राशन कार्ड धारकों के लिए बदलाव देखने को मिलता है। आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ पर राशन कार्ड धारकों के लिए राशन के बदले में आप सभी को सब्सिडी देने का ऐलान किया गया और शत शत सभी को सब्सिडी दिया जा रहा है। सब्सिडी के साथ साथ आपको बता दूं कि प्रत्येक परिवार को 1,000 रुपए भी दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि सुरक्षा एंड NFSA के तहत सरकार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालक को प्रदर्शितता में सुधार के माध्यम से अधिनियम की धारा 12 के तहत खदान ताल में सुधार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का प्रयास है। वही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के तहत सरकार देश के करीब 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रत्येक व्यक्ति प्रति माह 5 किलो गेहूं और चावल 23 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायत दर पर दे रही है। सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ सेल EPOS उपकरण को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्य को प्रोत्साहित करने के लिए 70 रुपए प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए खाद्य सुरक्षा 2015 के नियम 7 में संशोधन किया गया है। इसके तहत डिवाइस की खरीद, संचालन और रखरखाव की लागत के लिए प्रतिदिन किए गए अतिरिक्त मार्जिन से अगर किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश को यदि बचत होती है तो इसे इलेक्ट्रॉनिक तराजू की खरीद, संचालन एवं रखरखाव के साथ दोनों के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। सरकारी योजना से जुड़ी ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को ऑल करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।